हेलो व्यूअर, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमनली यूज फाइबर इन FRP प्रोडक्ट। FRP प्रोडक्ट में हम कौन कौन से फाइबर्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर हमारा FRP प्रोडक्ट में जब यूज़ किया जाता है तो इसको ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक नाम से जानते हैं। ग्लास फाइबर हमारा जिस मटेरियल में यूज़ किया जाता है वो हमारा एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ग्लास फाइबर टू फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाइट FRP प्रोडक्ट। जो आपका ग्लास फाइबर होता है वो आपका बहुत ही लाइट प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। ग्लास फाइबर की स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट का भी स्ट्रेंथ पावर बहुत अधिक होती है। जब स्ट्रेंथ पावर अधिक होगी तो प्रोडक्ट हमारा काफ़ी स्ट्रांग बनता है। प्रॉपरली नोन एज फाइबर ग्लास। ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्रोडक्ट को हम फाइबर ग्लास प्रोडक्ट भी कहते हैं। Not as strong as rigid as carbon fiber. Carbon fiber की तरह ये बहुत ज़्यादा strong नहीं होता है, लेकिन glass fiber आपका फिर भी strong होता है। ये बहुत ही cheaper होता है and significantly less brittle. ग्लास फाइबर आपका नॉर्मली जो ग्लास रहता है वो रहेगा, या फिर जो आपके विंडो वगैरह में ग्लास रहते हैं सेम वैसा ही फाइबर होता है। कार्बन फाइबर अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड कंपोज मोस्टली ऑफ कार्बन एटम। कार्बन फाइबर आपका 5 से 10 माइक्रोमीटर का डायमीटर रखता है एंड कार्बन एटम से ही कार्बन फाइबर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। कार्बन एटम्स आर बाउंड टुगेदर इन क्रिस्टल डेट आर मोर और लेस एलाइन पैलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फाइबर। फाइबर आपका 2 टाइप से डाला जाता है, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। तो जो आपका ग्लास फाइबर है वो हम डिसकंटिन्यूस पैटर्न में यूज़ करते हैं एंड कार्बन फाइबर को हम कंटिन्यूस पैटर्न में यूज़ करते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं पैलर में यूज़ करते हैं, क्रॉस वगैरह में यूज़ नहीं करते। कार्बन एटम का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्रिस्टल फॉर्म में हमको मिलता है, इसलिए हमारा ग्लास फाइबर की अपेक्षा कार्बन फाइबर बहुत ज़्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग माना जाता है। द क्रिस्टल अलाइनमेंट गिव द फाइबर हाई स्ट्रेंथ टू वॉल्यूम रेशियो मेक्स इट स्ट्रॉन्ग फॉर इट्स साइज। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट का साइज इंक्रीज होता रहेगा कार्बन फाइबर पड़ा होने के कारण प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। एंड सेकेंडली उसमें हम पैलर पैटर्न में फाइबर को यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ टू वॉल्यूम रेशियो हमारा बहुत ज़्यादा अधिक होता है। कार्बन फाइबर से बनाए गए प्रोडक्ट हाई स्टिफनेस रहते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, लो वेट रहता है। मेटालिक फाइबर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा थोड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन कार्बन फाइबर हमारा लाइट रहता है। सेकेंडली आपका जो भी पॉलीमर रहेगा पॉलीमर आपका लाइट वेट ही रहता है, तो प्रोडक्ट भी आपका लो वेट बनता है। हाई केमिकल रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस एंड लो थर्मल एक्सपेंशन। लो थर्मल एक्सपेंशन मतलब कि आपका हीट का इफ़ेक्ट आपका बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कार्बन फाइबर हमारा बहुत अधिक बेनिफिशियल रहता है हाई टेंसाइल प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा एरामाइड फाइबर, क्लास ऑफ हीट रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर। ग्लास फाइबर एंड
कार्बन फाइबर में कार्बन फाइबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो अगर हम सिंथेटिक फाइबर में देखें तो सिंथेटिक फाइबर में एरामाइड फाइबर है जिसका हाई रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनता है। दे आर यूज इन एरोस्पेस एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस। एरोस्पेस में, मिलिट्री में, मिलिट्री एप्लीकेशंस में हमारे इस तरीके के प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा अधिक यूज होता है। फॉर बैलेटिक क्रिएटेड बॉडी एरोमर फैब्रिक एंड बैलिस्टिक कंपोजिट लाइक नोमैक्स कैलवर। और स्ट्रक्चर आपका दे रखा है पैराएमाइड स्ट्रक्चर, इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्डर, इधर ही हमारा डबल बॉन्ड है जिससे हमारा बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके अलावा जो और भी प्रोडक्ट हमारे यूज़ किए जाते हैं लाइक सिलिकॉन फाइबर, एलुमिनियम ऑक्साइड एंड मेटल फाइबर, ये सारे फाइबर्स भी हमारे रेनफोर्स मटेरियल को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन फाइबर रहेगा तो प्रोडक्ट आपका सिलिकॉन FRP प्रोडक्ट ग्लास भी है, तो सिलिकॉन फाइबर ग्लास ईटी, जो जो फाइबर मिक्स किया जाता है उसी तरीके से हमारा नेम भी चेंज हो जाता है। पॉलीमर्स जो हमारे मेन यूज़ किए जाते हैं पॉलीस्टर, इपॉक्सी विनाइल ईस्टर, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्वालिटी, ये दोबारा रिसाइकल नहीं होता है। जब हम फाइबर मिक्स करते हैं उस टाइम, जब आप दोबारा जब रिसाइकल करो तो आपको सेपरेट करना हो फाइबर, आप अलग सेपरेट करोगे। अब जी ऐसा तो है नहीं खाली फाइबर एंड पॉलीमर आप मिक्स करेंगे, आप उसमें और एडिटिव्स भी मिलाएंगे, तो उन एडिटिव्स को सब सेपरेट करना फिर, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो इसीलिए पहले से ही हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, थर्मोप्लास्टिक का यूज़ नहीं करते। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करने पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम करते हैं। अगर हम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आपका लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में अगर हम किसी भी टाइप के फाइबर को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। द रीज़न द फाइबर बार डिस्कस इन मोर डिटेल इज बिकॉज दे आर व्हाट एक्चुअली डिफ्रेंशिएट द FRP फ्रॉम इट्स पेरेंट पॉलीमर। एक सिंपल पॉलीमर और रेनफोर्स प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। थैंक यू सो मच।